वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे करियर ऑप्शंस आफ्टर द 12th साइंस। स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी बायोइनफॉर्मेटिक्स के बारे में। तो बायोइनफॉर्मेटिक्स का करियर एंड स्कोप जानने के भी पहले हम देखेंगे कि बायोइनफॉर्मेटिक्स है क्या। सो बायोइनफॉर्मेटिक्स मतलब कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके आप बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर सकते हैं और इसका कुछ इंटरप्रेट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द सम ऑफ द मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो अगर उसको डिफाइन करेंगे तो बायोइनफॉर्मेटिक्स और द कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ साइंस दैट कंबाइंस द कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इसको हम बोलेंगे बायोइनफॉर्मेटिक्स। अब देखेंगे बायोइनफॉर्मेटिक्स में आप क्या क्या कर सकते हो आफ्टर द 12th साइंस। सो कौन से बैचलर डिग्री कोर्सेज है इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। आप बीएससी कर सकते हो बायोइनफॉर्मेटिक्स में, बीटेक इन बायोइनफॉर्मेटिक्स, बीएससी ओनर सब्जेक्ट मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ बायोइनफॉर्मेटिक्स सेपरेट सब्जेक्ट लेके स्टडी कर सकते हो, बीई इन बायोइनफॉर्मेटिक्स, सर्टिफिकेट इन बायोइनफॉर्मेटिक्स एंड एडवांस डिप्लोमा इन बायोइनफॉर्मेटिक्स कर सकते हो। अगर आपको फर्दर स्टडी करनी है तो आप यहाँ पे जो है मास्टर इन साइंस कर सकते हो इन द बायोइनफॉर्मेटिक्स। सो एमएससी इन बायोइनफॉर्मेटिक्स कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, पीजी डिप्लोमा कर सकते हो। एमएससी में आप ऑनर सब्जेक्ट ले सकते हो, एमएस इन बायोइनफॉर्मेटिक्स, एमई इन बायोइनफॉर्मेटिक्स। तो ये कुछ करियर ऑप्शंस हैं फॉर योर मास्टर्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर बैचलर डिग्री। अगर आपको फर्दर हायर एजुकेशन लेना है तो आप पीएचडी भी कर सकते हो, डॉक्टरल प्रोग्राम जो बोलेंगे, और ये 3 to 5 years का रहेगा और यहाँ पे आप जो है पीएचडी इन बायोइनफॉर्मेटिक्स कर सकते हो। उसके बाद देखेंगे कि कौन से टॉप इंस्टीट्यूट है जो कि बायोइनफॉर्मेटिक्स कोर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी खड़गपुर, एनआईटी भोपाल, एनआईटी टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला, जेएनयू न्यू दिल्ली, भारतीय विद्यापीठ पुणे। तो ये कुछ टॉप इंस्टीट्यूट है इंडिया के जो कि बायोइनफॉर्मेटिक्स का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि अगर आपने पीजी कंप्लीट किया है, अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया है तो फर्दर आप कहाँ पे जॉब कर सकते हो, मतलब यहाँ पे बात करेंगे स्कोप के बारे में। तो अगर आपने आपका बैचलर्स कंप्लीट किया हुआ हो या डिग्री कंप्लीट की हुई हो तो आप फार्मास्यूटिकल्स में वर्क कर सकते हो, बायोमेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हो, इन रिसर्च इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्री एंड इवन एनजीओज में भी वर्क कर सकते हो। इवन यू कैन वर्क इन द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑल्सो। अगर आपको यहाँ पे वर्क नहीं करना है तो आप प्राइवेट एंड पब्लिक कॉलेजेस में भी वर्क कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपको इंटरेस्ट है रिसर्च में तो साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में भी आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। सो मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल वर्क करते हैं फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक कंपनीज में ही। उसके बाद बात करेंगे कि बायोइनफॉर्मेटिक्स के जो स्टूडेंट है, जो डिग्री होल्डर्स है, वो जो है कुछ कंपनी में भी वर्क कर सकते हो, जैसे आईटी कंपनीज में वो वर्क कर सकते हो। यहाँ पे बात करेंगे उनकी प्रोफाइल की, तो उनकी प्रोफाइल रहेगी बायो इन्फॉर्मेशनिस्ट। और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, आरपीओज एंड केपीओज आर आल्सो एम्प्लॉइंग द बायो इन्फॉर्मेटिशियन। सो स्पेसिफिक करियर एरियाज रहेगा और यहाँ पे आप डेटाबेस डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस बोल के वर्क कर सकते हो, प्रोटियोमिक्स में वर्क कर सकते हो, फार्माकोलॉजी, सिक्वेंस असेंबली एंड एनालिसिस, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक्स डेवलपर, बायो एनालिटिक्स, क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट बोल के भी वर्क कर सकते हो। ये कुछ जो है आपके जॉब्स के कुछ सेक्टर्स मैंने यहाँ पे बताए हुए या स्कोप ऑफ द बायो इन्फॉर्मेटिक्स बताया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे टॉप रिक्रूटर्स कौन से हैं जो बायो इन्फॉर्मेटिशियन को हायर करते हैं। तो यहाँ पे है विप्रो, रिलायंस, सत्यम, TCS, IBM लाइफ साइंसेस, रैनबैक्सी, सिल्कन जेनेटिक्स एंड टेसिल, GVK बायोसाइंस, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, बिस्कॉइन, स्टैंडर्ड लाइफ साइंसेस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं
उसके बाद बात करेंगे सैलरी की। तो सैलरी यहाँ पे मैं जो भी बता रही हूँ वो अप्रोक्सीमेट सैलरी रहेगी, एवरेज सैलरी रहेगी। ये वैरी करेगी कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, आपका एजुकेशन क्या है, आपने उस एरिया में कितना वर्क किया हुआ, इस पे वो वैरी हो सकता है, बट दिस इज़ द अप्रोक्सीमेट सैलरी। तो स्टार्टिंग डिग्री होल्डर्स के लिए प्राइवेट कंपनीज में सैलरी है 2 to 3 lakhs पर एनम रहेगी। और अगर आपके पास स्किल्स है, आपकी वर्क एक प्रोफाइल अच्छी है, आपको एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी जो है 6 to 7 lakhs पर ईयर रहेगी। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करना चाहें, जैसे कि रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो, तो आपकी सैलरी जो रहेगी फिक्स रहेगी, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 lakhs पर एनम रहेगी। सो दैट्स इट, थैंक यू।